भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव पर शनापावा ब्रह्म तीर्थ पर आई रेणुका ज्योति यात्रा आने के बाद में राजेंद्र नगर से यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल हुए अनोखे संत विद्वान फरसा हाथ में थामे मातृशक्ति बनी सबके आकर्षण का केंद्र। परशुराम महासभा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में इस वर्ष भी भगवान हरि विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव जनपराव तीर्थ पर राजेंद्र नगर में धूमधाम से मनाया गया। आयोजन के अंतर्गत परशुराम जन्मस्थली जनपराव पर अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान परशुराम के बाल्य अवस्था वाली मूर्ति का पूजन व अभिषेक एवं ऋषि के द्वारा इसका स्थापना की गई है, रुद्राभिषेक किया गया है। इसके बाद में जनपावा पर्वत शिखर पर सुबह 6:30 बजे से मां रेणुका ज्योति यात्रा प्रारंभ हुई, जो गवली परासिया महू शहर राव नगर होते हुए सुबह 8 बजे राजेंद्र नगर में प्रवेश की गई और विशाल शोभा यात्रा यहां पर शामिल हुई। परशुराम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा एवं यात्रा संयोजक पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि जनपावा तीर्थ में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सैकड़ों समाज बंधु पहुंचे और यहां पर पूजा अभिषेक की गई है। शहर के समीप प्रमुख स्थलों के आचार्य संत महामंडलेश्वर ने शोभा यात्रा में सानिध्य प्राप्त करा। शोभा यात्रा का संचालन पंडित संजय मिश्रा व पंडित शैलेंद्र जोशिया, सुशिया श्रेष्ठा जोशिया, मोनिका शर्मा, वर्षा शर्मा, पूनम मिश्रा, कपिल तिवारी, अनिरुद्ध शर्मा की टीम ने किया। शोभा यात्रा मार्ग में अभिषेक जाट मित्र मंडल द्वारा मंच लगाकर पुष्प वर्षा से इसका स्वागत किया गया था। अभिषेक जाट ने कहा कि भगवान परशुराम समस्त हिंदुओं के आराध्य है और परशुराम महासभा तथा ब्राह्मण समाज की अगुवाई में निकलने वाली शोभा यात्रा का स्वागत कर हम सब अभिभूत है। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रथम ब्राह्मणों की संस्था है श्री परशुराम महासभा, और इसके तत्वाधान में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी की ये शोभा यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। और जाना पाओ जो ब्रह्म तीर्थ माना जाता है, वहाँ रेणुका ज्योति यात्रा जो कि हमारे परशुराम महासभा के वरिष्ठ जन एक दिन पूर्व 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम रहता है, जो जाना पाओ पर यज्ञ हवन पूजन पाठ करने के पश्चात जो अखंड ज्योति जाना पाओ ब्रह्म तीर्थ पर जल रही है, उस वो ज्योति रेणुका माता के उसमें हम यहाँ लाते हैं और उसके बाद में हमारी शोभा यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आज शोभा यात्रा कहाँ कहाँ भ्रमण किया? ये शोभा यात्रा नर्मदा चौराहे से प्रगति नगर से प्रारंभ होकर और प्रगति नगर, पाराशर नगर, राजेंद्र नगर क्षेत्र की अन्य कॉलोनियों में भ्रमण करती हुई और परशुराम चौक, राजेंद्र नगर मैन चौराहे पर इसका समापन। महिलाएं हाथ को फरसा लेकर शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं, ये तो परशुराम जी का एक प्रतीक है जी। फरसा वो लकड़ी से निर्मित करवा कर और मातृशक्तियों द्वारा उस फरसे को हाथ में लेकर चला जा रहा है। आपका परिचय? मैं संजय मिश्रा, मध्य प्रदेश प्रभारी श्री परशुराम महासभा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में भावना है, किस भावना को साथ? मेरे मन में परशुराम जी का जो जन्म उत्सव है उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि परशु और राम इन्हें बहुत बड़ा नाम है जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, और जन्म होने के साथ में उनने इस संसार के लिए सब कुछ त्याग के और ब्राह्मणों के माध्यम से, क्षत्रियों के माध्यम से उनने एक संदेश जरूर दिया सभी को कि इस पृथ्वी के ऊपर हर आदमी ब्राह्मण कुल में जो भी पैदा होता है वो सम्मान के प्रतीक होता है, उसके अधीन सारे मंत्र, भगवान भी उसके अधीन होता है एक ब्राह्मण के अधीन, और ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करने का मौका मुझे आज प्राप्त हुआ परशुराम जयंती के ऊपर, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, ऋणी समझता हूँ कि मुझे आज मौका मिला और सभी ब्राह्मणों के चरण स्पर्श किए मैंने, मुझे उसका पूरा लाभ प्राप्त हुआ। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि परशुराम जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। भगवान परशुराम जी ने जो धर्म की स्थापना की थी, आतातायियों का नाश किया था, उनसे प्रेरणा लेकर के हमको भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए तन मन धन से जुड़ जाना चाहिए, उनके संदेश को जन जन तक पहुँचाना चाहिए, उसी संदेश को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। मैं यात्रा निकालने वाले सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि हम सब मिल करके भगवान परशुराम जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाएं।